नमस्कार, मैं डॉक्टर रूबी बंसल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी लोगों की मेरे पास क्वेरी आ रही हैं, जो मेरे पेशेंट्स हैं, HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। कई लोगों को डेंगू हो गया है। बड़ा कन्फ्यूजन है पेशेंट्स को कि डेंगी में हम क्या करें क्या नहीं करें। बहुत पैनिक की कंडीशन है कि क्या HIV के मरीजों को डेंगी ज़्यादा सीवियर होता है, या HIV के मरीज डेंगू से मर जाते हैं, या हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराएं, या हम प्लेटलेट्स चढ़वाएं, या हम क्या करें। उसी पर आज बात करते हैं। सबसे पहली बात तो डेंगू एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है, मच्छर के काटने से होता है, और जो किसी को भी हो सकता है। उसका एज सच HIV पेशेंट और नॉन HIV पेशेंट से कोई भी संबंध नहीं है। एज सच अगर हम बीमारी की बात करें, अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा है, ऑन ट्रीटमेंट नहीं है, पहले से कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, इम्यून फंक्शन उसका अच्छे से काम नहीं कर रहा है, डेफिनेटली कोई भी एडिशनल इन्फेक्शन, चाहे वो डेंगू हो, मलेरिया हो, या कोई भी इन्फेक्शन हो, वो उसके लिए घातक हो सकता है। परंतु पेशेंट जो वायरली सप्रेस्ड हैं, जिनका जो मेडिसिन ले रहे हैं, जिनका कि वायरल लोड सप्रेस है, या CD4 अच्छा है, या जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट में है, अगर उनको डेंगू हो जाता है, तो वो सिर्फ जैसे कि नॉन HIV पेशेंट में डेंगू बिहेव करता है, उसी तरह से उनमें भी बिहेव करता है। ऐसा कोई एडिशनल काम करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि हम क्या HIV की मेडिसिन लें, डेंगू हो गया है तो डेफिनेटली HIV की मेडिसिन लेनी चाहिए, बिकॉज हम लोग 100% एडहेरेंस की बात करते हैं वायरल HIV के वायरस में, तो मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहिए। स्पेशली कुछ ही केसेस में, अगर वो शॉक में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं, तो एक या दो दिन के लिए मेडिसिन स्किप की जा सकती है। तीसरी बात ये है कि डेंगू हो गया है तो क्या हम अस्पताल में भर्ती कर दें मरीज को? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई करने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू एक सेल्फ लिमिटेड डिजीज़ है। इम्पॉर्टेंट है कि उसमें कम से कम मेडिसिन खाई जाएँ। कम से कम का मतलब है नो पेन किलर्स, नो अदर मेडिसिन, नो देर इज़ नो रोल ऑफ एंटीबायोटिक्स, देर इज़ नो रोल ऑफ एनी अदर मेडिसिन, ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में भी मेडिसिन में, जैसे कि इसमें डेंगू में बुखार तेज आता है, तो तेज बुखार के लिए हम पैरास्टामोल का यूज़ करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा, अगर उससे भी ज़्यादा किसी तरह से नहीं उतर रहा हो, तो स्पॉन्जिंग इज़ द बेस्ट वे, पानी के ठंडे पानी से स्पॉन्जिंग पूरे शरीर को। और मिथ यह होता है कि सिर्फ माथे पर स्पॉन्जिंग करनी है, परंतु ऐसा नहीं है, पूरे शरीर को स्पॉन्जिंग करनी है, स्पेशली आपके फोल्ड्स में, अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और सभी चीज़ों में, सभी एरियाज़ को ठंडे पानी से स्पॉन्ज किया जाता है, जिससे कि बुखार उतर सकता है। फिर भी अगर बहुत तेज बुखार है, डेफिनेटली डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। कुछ और भी जो बुखार को उतारने की दवाई है वो दी जा सकती है, परंतु अपने आप से मेडिसिन नहीं लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप दवाइयाँ लेंगे, गलत दवाइयाँ लेंगे, उतना ही प्लेटलेट काउंट कम होता है, या उतना ही वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कम से कम मेडिसिन। दूसरी बड़ी बात डेंगू में जो है वो पानी का उपयोग। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। किसी भी तरह के फ्लूइड्स जो कि आपके घर में हैं, पानी है, नमक और चीनी का घोल है, ORS है, एनर्जाल है, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर है, या कोई भी इस तरह की चीज़ें आप जो हैं पीते रहें, क्योंकि सबसे ज़्यादा रोल डेंगू में आपके डिहाइड्रेशन का होता है, और इसलिए हाइड्रेशन को पूरी तरह से हाइड्रेट रखना खुद को बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पानी एक तरह से समझ लीजिए कि डेंगू का ट्रीटमेंट ही पानी है। पानी और इलेक्ट्रोलाइट, नारियल पानी आप पी सकते हैं, आप अवॉइड करें कोला ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी एट्सेट्रा, या जिसमें भी एरिएटेड ड्रिंक्स होते हैं उनको अवॉइड करें। बाकी आप किसी भी तरह के जूसेस, फ्रूट्स, घर में बने हुए सूप, और जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर हैं, या आप कोई भी नमक और चीनी का ORS स्पेशली आप यूज़ कर सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। तो नॉर्मल मरीजों को, जिनको कोई किडनी की बीमारी नहीं है, हार्ट की बीमारी नहीं है, तो 3 से 4 लीटर का पानी का उपयोग करना चाहिए उस डेंगू को ट्रीटमेंट के लिए। और HIV के मरीज अपनी दवाइयाँ समय से लेते रहें, जो HIV की मेडिसिन हैं। डेफिनेटली हम सेप्ट्रान या कोई और तरह की जो प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन हैं वो स्टॉप कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक कि हम डेंगू का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिससे कि, क्योंकि ये मेडिसिन भी, सेप्ट्रान भी थोड़ा सा आपका जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया करता है या कुछ चीज़ें कर सकता है। तो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह करें, अपने HIV फिजिशियन से सलाह करें, और या आप डेंगू के लिए जिस डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उससे भी सलाह करें। अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेट नहीं करें, यही सबसे बड़ा
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से अपने आप को सेफ रखिए, बचा के रखिए। कोई भी और क्वेरी हो तो हमें जो है आप मैसेज कर सकते हैं। मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।